बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते रिलीज होने वाली ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की मच अवेटेड फिल्म फाइटर की रिलीज में अब सिर्फ एक दिन का समय और बचा हुआ है। और दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 25 जनवरी को ग्रैंड रिलीज होने वाली है। लेकिन दोस्तों इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर एडवांस बुकिंग कलेक्शन कितना हो चुका है ये इस वीडियो में हम जानेंगे। बात करेंगे दोस्तों फिल्म हनुमान के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जो की आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने दो हफ्ते पूरे करने जा रही है। तो वहीं दोस्तों इस साल रिलीज होने वाली वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का बजट कितना है, इस फिल्म का टीजर कैसा हो सकता है और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म क्या कमाल कर सकती है ये इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी इन फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं फिल्म हनुमान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जैसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 13 दिन होने जा रहे हैं। इन 13 दिनों में दोस्तों ये फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोसर तो बन ही गई है, साथ ही साथ सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म गुंटूर कारम को भी इस फिल्म ने पछाड़ दिया है। अगर बात की जाए बॉक्स ऑफिस की तो दोस्तों बताते चले आपको कि प्रशांत वर्मा के सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है हनुमान, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पिछले हफ्ते ही रिलीज किया गया था। इस फिल्म को दोस्तों ऑडियंस की तरफ से आउटस्टैंडिंग रिव्यूज मिले, क्रिटिक्स ने इस फिल्म को अच्छी रेटिंग्स दी। साथ ही साथ दोस्तों ये फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम हर भाषा में काफी अच्छी कमाई करने में कामयाब रही। प्रशांत वर्मा की ये फिल्म एक सुपर हीरो फिल्म साबित हुई और इस फिल्म ने विजुअली तो ऑडियंस का दिल जीता ही, साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म की कहानी भी काफी अच्छी है। तेजा सज्जा और अमृता अय्यर की ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन जहां 15 करोड़ रुपए से बड़ी ओपनिंग लेने में कामयाब रही थी, वहीं दोस्तों पैड प्रीव्यूज को मिलाकर इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ रुपए की शानदार ओपनिंग ली। सिर्फ 3 ही दिनों में ये फिल्म 83 करोड़ रुपए की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म बन चुकी थी, जिसका बजट मात्र 40 करोड़ रुपए का था। तो वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अपने पहले ही हफ्ते में 150 करोड़ रुपए कमाए। ऑडियंस दोस्तों इस फिल्म को एंजॉय कर रही थी, यही वजह है कि अपने 8वें दिन भी इस फिल्म ने इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ रुपए कमाए थे, 9वें दिन 14 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए थे, तो वहीं दोस्तों अपने 10वें दिन 17 करोड़ 60 लाख रुपए कमाने में कामयाब रही। दोस्तों ये फिल्म विगड़ेस में भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा ट्रेंड करती हुई नजर आई और दोस्तों इस फिल्म के जहां अपने 11वें दिन के भी कलेक्शंस 7 करोड़ रुपए के रहे, तो वहीं दोस्तों कल अपने 12वें दिन भी इस फिल्म ने ऑल इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर 5.5 करोड़ रुपए की कमाई की है। इस तरह से इस फिल्म का टोटल इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 146 करोड़ रुपए का आसानी से हो चुका है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात की जाए दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म शुरुआती 10 दिनों में ही 150 करोड़ रुपए कमा चुकी थी, कल अपने 11वें दिन के साथ ही इस फिल्म के जो कलेक्शन से वो 211 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहे हैं। तो वहीं दोस्तों बात की जाए इस फिल्म के आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि ये फिल्म आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां एक बार फिर से 4.5 से 5 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, तो वहीं दोस्तों दुनिया भर में इस फिल्म का कलेक्शन आज का भी लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रहा है। ऐसे इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 220 करोड़ रुपए का हो चुका होगा और दोस्तों फाइनली हनुमान इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोसर बन चुकी होगी। मात्र 40 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली दोस्तों ये फिल्म तेलुगु सिनेमा की संक्रांति पर रिलीज होने वाली पिछले 92 साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी है। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर फिल्म फाइटर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जैसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कल रिलीज किया जाना है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है और बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रॉन्ग नोट के साथ चल रही है। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बताते चले कि सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनने वाली फाइटर, जो कि एक एरियल एक्शन फिल्म होगी और इस फिल्म के लीड में आपको सुपरस्टार ऋतिक रोशन के अलावा दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर सर भी नजर आने वाले हैं। लगभग 200 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के साथ बनाई गई ये फिल्म इंडिया में 2D, 3D और IMAX 4D में रिलीज होने वाली है, जैसे कि ऑल ओवर इंडिया में 5000 स्क्रीन पर हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज किया जाएगा। सुपरस्टार ऋतिक रोशन की लास्ट फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की थी, यही वजह है दोस्तों कि अब उनकी फिल्म फाइटर को लेकर भी ऑडियंस के बीच में अच्छा क्रेज देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर फाइटर के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि फाइटर की एडवांस बुकिंग को शुरू हुए आज 4 दिन हो चुके हैं। यह फिल्म दोस्तों ऑल इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 6.5 करोड़ रुपए की एडवांस अपनी रिलीज से पहले ले चुकी है, यानी कि दोस्तों इस फिल्म की जो एडवांस है उसमें एक तरह से एक एवरेज पिकअप हमें देखने को मिला है। कल लास्ट 24 घंटों में
दोस्तों इस फिल्म के जहाँ फर्स्ट डे के लिए तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस देखी गई, तो वहीं दोस्तों अपने सेकंड डे के लिए इस फिल्म की जो एडवांस है वो काफी अच्छा ट्रेंड कर रही है। फिलहाल में दोस्तों ये फिल्म अपने पहले दिन के लिए 6.5 करोड़ रुपए की ऑल इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर एडवांस ले चुकी है। वहीं दोस्तों अपने दूसरे दिन के लिए इस फिल्म की जो एडवांस है वो 4.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुकी है। यानी कि दोस्तों अपने पहले ही दिन की तरह ये फिल्म दूसरे दिन भी काफी अच्छी ओपनिंग लेती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि दोस्तों दूसरे दिन 26 जनवरी की छुट्टी है। बताते चले दोस्तों आपको कि फाइटर ऑल इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर अगर 15 करोड़ रुपए तक की एडवांस लेती है तो इस फिल्म को अपने पहले दिन 35 से 40 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिल जाएगी, और अगर ये फिल्म 20 करोड़ रुपए तक की एडवांस लेती है तो इस फिल्म को अपने पहले दिन 45 से 50 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिल जाएगी। फिलहाल में दोस्तों इस फिल्म के टीजर और ट्रेलर को ऑडियंस की तरफ से अच्छा रेस्पॉन्स मिला था, उस हिसाब से देखा जाए तो ये फिल्म इंडिया में 50 करोड़ रुपए तक की ओपनिंग लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन के बारे में, जिसका धमाकेदार टीजर आज हमें 10 बजे देखने को मिलने वाला है, और दोस्तों इस टीजर में आपको सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनने वाली एक धमाकेदार एक्शन फिल्म होगी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल ईद के मौके पर रिलीज किया जाना है। और इस फिल्म से सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक बार फिर से एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म दोस्तों लगभग 200 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के साथ बनाई गई है, जिसमें आपको रियल एक्शन और बेहतरीन विजुअल्स देखने को मिलने वाले हैं। कहानी भी दोस्तों इस फिल्म की धमाकेदार होगी, तो वही दोस्तों इस फिल्म का जो म्यूजिक है वो काफी एंगेजिंग और अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। बड़े मियां छोटे मियां, जो कि दोस्तों इंडियन सिनेमा की एक क्लासिक फिल्म थी, उसी के नाम पर इस फिल्म का नाम रखा गया है। और दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इस साल ईद के मौके पर पैन इंडिया यानी कि हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज होने वाली है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म का टीजर आज 10 बजे रिलीज किया जाएगा, जो कि लगभग 1 मिनट 22 सेकंड का है। और दोस्तों इस टीजर में आपको धमाकेदार एक्शन के साथ साथ बेहतरीन म्यूजिक और सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर के बेहतरीन लुक्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर दोस्तों ये टीजर ऑडियंस को पसंद आया तो ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल की सबसे बड़ी ओपनर साबित होगी। और दोस्तों इस फिल्म के सामने रिलीज होने वाली जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा की रिलीज ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुकी है। यानी कि दोस्तों अब सुपरस्टार अक्षय कुमार की इस पैन इंडिया फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 70 से 80 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपको क्या लगता है दोस्तों, बड़े मियां छोटे मियां इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अगर ऑडियंस को पसंद आती है तो इस फिल्म का लाइफ टाइम कितना हो सकता है? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।